हेलो दोस्तों, नमस्ते। और कैसे हैं आप लोग, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज है करवा चौथ, तो आप सभी को करवा चौथ के ढेर सारे शुभकामनाएं। अभी दोपहर के बज गए हैं डेढ़, तो मैं भी जा रही हूँ अभी तैयार होने के लिए। तो मुझे लगा चलिए ब्लॉगिंग भी साथ साथ में शुरू कर लेते हैं। तो चलिए अभी दिखाती हूँ करवा चौथ के लिए जो भी थोड़ा बहुत सामान लाई थी मैं, क्या क्या लाई थी अभी दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। तो दोस्तों, ये सारी शॉपिंग मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को करवा चौथ की, और दिखा रही हूँ जो कि मैं करवा चौथ के दिन ही, और पता आप लोगों को ये कब ली थी मैं, जब परी के बर्थडे में परी को फ्रॉक ली थी, तभी मैं अपना उसी दिन साड़ी भी ली थी। और उसके बाद सारा जो भी शॉपिंग है और मेकअप वेकअप का, वो सारी चीज़ मैं तभी ली थी मायके जाने से पहले, लेकिन मुझे मायके जाना पड़ गया अचानक में, तो मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाई। और वहाँ से आने के बाद जो कि मेरे पैर में मोच आ गया, तो मैं कोई भी वीडियो वीडियो नहीं बना पाई इसलिए। और ये चूड़ा का सेट लाई हूँ साड़ी के कलर का, जो कि मैं आप लोगों को दिखा रही थी। और यहाँ पे लोकल में बहुत अच्छे से मिल जाता है मेरे यहाँ मेरठ में। यही चीज़ मैं लेने अगर ऑनलाइन मैं चेक करती हूँ तो बहुत महंगे पड़ते हैं। चूड़ा भी मैं देखी थी, पहले मैं ऑनलाइन ही चेक करी थी मीशो पे, फ्लिपकार्ट और अमेज़ोन पे, इन सारे चीज़ों पे मैंने गले का सेट और जो है हाथ का चूड़ा भी मैं पहले चेक करी थी कि देखती हूँ कहाँ पे सही से मिल जाता है। तो देखी थी मैं वहाँ, और फिर लोकल में जाके पता करी तो उसमें और इनमें बहुत बहुत ज़्यादा फ़र्क था। तो इसलिए मैं लोकल मार्केट से ही सारे सामान जो कि लेके आई थी, गले का सेट भी और हाथ का चूड़ा भी और मेकअप का सामान भी। और पता आप लोगों को, ये ना गले का सेट मेरा बहुत दिन से मन था पहनने के लिए, डबल वाला, जो कि डबल सेट है और एक छोटा और एक बड़ा। तो ये मैं इस बार ले आई थी, और ग्रीन कलर का लाई थी मैं, क्योंकि आजकल थोड़ा सा ट्रेंडिंग में चल रहा था ग्रीन कलर। मैंने देखी थी बहुत सारे लोगों को पहनते हुए कि मतलब किसी भी कलर पे पहन लेती थी, तो मुझे भी थोड़ा थोड़ा सो मैचिंग हो जा रहा था साड़ी पे, और इसलिए मैं ग्रीन ज्वेलरी लाई थी। और चूड़ा भी एकदम साड़ी के कलर का ही लेके आई थी, और चूड़ा तो मैं जब लाई थी उसी एक दिन पहले करवा चौथ के। और ये सारे जो नाक का मैं मंगाई थी, नाक का जो नथ होता है ना, वो मैं मंगाई थी मीशो से, डबल मंगाई थी, तो अच्छा खासा में मुझे मिल गया था, डबल जो है दो मिल गया था अच्छे पैसे में। और उसी दिन मेरे नाक का जो है नोज पिन खो गया था, जिस दिन मेरा ये आया था 100 रुपये के चक्कर में मेरा 1200-1300 का नोज पिन ही गिर निकल गया था, क्योंकि उसे निकाल के मैं और इसे चेक कर रही थी, तभी भूल गई मैं, और जिस जगह बैठी थी वहीं पे ही खो गया मेरा। बाद में याद आया मुझे, बहुत बाद में। तो खैर इन बातों को छोड़िए, कई दिन बीत गया है तो इन बातों को छोड़िए। और ये सारे सामान देखिए आप लोग, हमारे यहाँ एक बृहस्पति का पैट लगता है, वहाँ पे बहुत अच्छे खासे सामान मिल जाते हैं, जो कि मैं पहले आप लोगों को बता रही थी। और ये देखिए आप लोग, बिछुआ निकाल रही हूँ मैं, जो कि नए बिछुए लगते हैं, तो मैं एक एक ही पहनती हूँ ना, तो एक जो मैं पहनी हूँ उसका दूसरा जोड़ा एकदम नया का नया ही रखा हुआ है, जो कि मैं कभी नहीं पहनी हूँ, तो इसलिए वो वाला पहनूँगी मैं, और इसलिए मैं बिछुआ ली भी नहीं। और अंगूठे का भी है मेरे पास, तो जोड़ा हो जाएगा तो वही मैं सब निकाल ली हूँ, और सारे सामान इकट्ठे कर रही हूँ जो भी है, और उसके बाद जो है तैयार होंगी। ये देखिए आप लोग सारा सामान। तो दोस्तों अभी हम लोग तैयार हो गए हैं, इधर देखिए पूजा की थाली भी तैयार है, मैं भी तैयार हो गई हूँ, अब चल रही हूँ कथा सुनने के लिए। तो चलिए, दूसरे के घर सुनना है तो अभी चलते हैं, और सब लोग जा चुकी हैं जो कि कभी से बुला रही हैं वो लोग, तो मैं भी जा रही हूँ अब। चलिए तो आप लोग भी हमारे साथ। दोस्तों 1 घंटे हो गए मुझे आए कथा सुन के, और देखिए यहाँ पे अभी दिया जलाऊंगी, और परी को देखिए पहले ही सिंघाड़े खा लिए है, और ब्लॉग ही नहीं बना पाई हूँ क्योंकि जल्दी कर देती हैं सब, हर साल का बात है, बहुत जल्दी कर देती हैं और कथा सुनने के लिए, तो इसीलिए क्या करूं, और मैं भी जल्दी जल्दी चली गई हूँ, ब्लॉग नहीं शुरू कर पाई हूँ। और अभी जो है अभी इन सबको निकालूंगी, और उसके बाद मैं बनाऊंगी खाना, और फिर चंद्रमा जी का वेट करेंगे। और ये देखिए फाइनली ये लुक था, जो कि फुल लुक दिखाऊंगी मैं आप लोगों को, कैमरा उसमें सेट करूंगी तो, और रील्स उल्स बनाई हूँ बहुत सारा, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करिएगा, मीरा राय करके है मेरा इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ भी मुझे आप लोग फॉलो ज़रूर करिएगा।
तो दोस्तों अभी मेरा खीर बन गया है, पूड़ी बन गया है इधर, और पनीर की सब्जी और सोयाबीन चाप बन गया है। तो ये सारे चीज़ बन गए हैं, अभी चल रही हूँ पहले चढ़ा दूँगी, उसके बाद देखिए चांद कब निकलते हैं, क्योंकि परी खाएगी, उसे भूख लग रहा, कभी से रो रही है, तो मतलब पूजा कर लेते हैं पहले नीचे, और जब चांद निकलेंगे ना, जब छत पे जाएंगे, तो पहले पूजा कर लेती हूँ मैं। और दोस्तों ये कुछ फ़ोटो हम लोग लिए थे, और क्या बताऊँ, रात में मेरा कोई भी वीडियो नहीं बन पाया, और ना मैं कथा सुन रही थी, एक लड़की को दी थी वीडियो बनाने के लिए, उसने वीडियो बनाई ही नहीं। जब मैंने एडिटिंग करना शुरू करी तब मैं देखी वो ऐसे ही कैमरा घुमा रही थी और कैमरा चालू ही नहीं करी थी। तो चैनल पर जो न्यू है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबाइए, मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।